हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस पार्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे बिहार सिविल कोड एस्टेनो स्किल टेस्ट नंबर 3। इससे पहले मैंने 3-4 लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को आप लोग देख सकते हो। वो एकदम से एग्जाम लेवल का क्वेश्चन मैंने उस वीडियोज़ में कराया है, ठीक है। और इस पार्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को एक्सेल का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह का आप लोगों को एग्जाम में देखा गया है। अभी जो रिसेंट हुआ है, कुछ कुछ कैंडिडेट का जो एग्जाम में कैंसिल हो चुका है। अगर आप लोगों का भी हुआ है तो आप लोग कमेंट करके बताना। और जहाँ तक आप लोगों का पोस्टपोन्ड हुआ है एग्जाम, आप लोगों का जून के एंड तक हो जाना चाहिए या फिर हो सकता है कि जुलाई में भी हो जाए, ठीक है। बाकी मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि क्या कुछ हुआ है। अगर आप लोगों का कैंसिल हुआ है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप लोगों को और भी वीडियोज़ चाहिए ज़्यादा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं आगे और भी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के अंदर, ताकि आप लोगों को एग्जाम के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलो आज का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियोज़ मैं आगे भी प्रोवाइड कर पाओ। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो यहाँ पर कॉलम दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कॉलम दिया गया है। नेम का एक कॉलम है जहाँ पर नेम है, देन मैथ, देन साइंस, देन सोशल साइंस, देन इंग्लिश, देन टोटल, फिर यहाँ पर परसेंटेज आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मतलब टोटल मार्क्स आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा और यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इंस्ट्रक्शन को आप लोगों को फॉलो करना है। कैलकुलेट टोटल मार्क्स बाय यूजिंग सम फंक्शन फॉर ऑल रोज। यहाँ पर आप लोगों को सम वाला फंक्शन का यूज करके टोटल मार्क्स को लेना है, ठीक है, कैलकुलेट करना है। उसके बाद सेकंड नंबर में दिया गया है कैलकुलेट परसेंटेज बाय यूजिंग फार्मूला। आप लोगों को परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा यूजिंग फार्मूला इफ फुल मार्क्स इन इच सब्जेक्ट इज 50। और यहाँ पर जो फुल मार्क्स आप लोगों को लेना है ना, वो 50 है। हर एक सब्जेक्ट में फुल मार्क्स कितना है? 50 है। यहाँ पर देखो 50 में से 35 लाया है ये, और साइंस में 43, सोशल साइंस में 26 और इंग्लिश में 42, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट साइज शुड बी 12, मतलब फॉन्ट साइज जो आप लोग को रखना है वो 12 रखना है। फॉन्ट का जो टाइप होगा वो कैलिब्री होगा, और टाइटल जो है ये वाला जो टाइटल देख सकते हो आप लोग, वो आप लोग को बोल्ड फॉर्म में रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक चीज ऐड कर लेना आप लोग, यहाँ पर ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर लिख लेना ऑल बॉर्डर अप्लाई ऑल बॉर्डर ऑन टेबल, ठीक है, ये आप लोग अलग से टाइप कर लेना, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर, अगर आप लोगों को देखो एग्जाम के अंदर रोल नंबर रखना है तो आप लोग रोल नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो रोल नंबर आप लोगों को 2-3 तरीका से लिख सकते हो, बहुत सारे तरीका है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, मैं रोल नंबर लिख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जस्ट अगर आप लोगों को एग्जाम में लिखना पड़े तो आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पर कितना कॉलम था एक बार मैं देख लेता हूँ, 3 और ये 7 कॉलम है, ठीक है। तो मतलब जी तक 7 होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको क्या कर लूँगा, यहाँ पर मैं मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। पहले तो मर्ज सेंटर करा, तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग मर्ज सेंटर हो चुका है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नेम और रोल नंबर लिखने के लिए मैं एक टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर क्या करूँगा, ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इंसर्ट में जाऊँगा, एक टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। ये मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स को क्या करा, इंसर्ट कर लिया। इसके बाद जो भी आप लोग का रोल नंबर होगा आप लोग अपने हिसाब से दे लेना। यहाँ पर मैं एक रैंडम सा रोल नंबर और नेम दे देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रोल नंबर जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर दिया, और जो नेम जो है वो मैं बैंकिंग बूस्ट दे रहा हूँ, नेम बैंकिंग बूस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और आप लोग इंस्ट्रक्शन वहाँ पर देख लेना, अगर आप लोग को इंस्ट्रक्शन में दिया गया है रोल नंबर नेम तभी लिखना है, अदरवाइज आप लोग को नहीं लिखना है, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, जो भी यहाँ पर जो भी टेबल दिया गया उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टाइप कर लेते हैं। तो पहले क्या दिया गया, नेम, तो मैं इसको नेम कर लेता हूँ पहले तो, ठीक है, नेम। उसके बाद क्या दिया गया है, सब्जेक्ट का नाम दिया गया है मैथ, देन क्या दिया गया है, साइंस, तो यहाँ पर मैं साइंस कर लूँगा। देन क्या दिया गया है, सोशल साइंस, सोशल साइंस SC कैपिटल में। उसके बाद क्या दिया गया, इंग्लिश, तो मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, इंग्लिश कर लूँगा, तो ये रहा इंग्लिश। देन आप लोगों क्या है, टोटल मार्क्स, तो मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, टोटल मार्क्स, ठीक है, तो ये रहा टोटल मार्क्स। उसके बाद क्या है, परसेंटेज, तो मैं परसेंटेज यहाँ पर टाइप कर लूँगा, परसेंटेज, ठीक है। तो ये रहा जो भी था, इसको मैं क्या करूँगा, रैप टेक्स्ट कर लेता हूँ, चलो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देख सकते हो मैंने रैप टेक्स्ट कर चुका हूँ यहाँ पर।
यहाँ पर देखो टोटल मार्क्स जो है आप लोगों को मार्क्स ऊपर में होना चाहिए और जीई भी परसेंटेज का ऊपर में होना चाहिए। तो मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा ड्रैग कर दूंगा राइट की ओर, इसको भी ड्रैग कर लूंगा थोड़ा सा राइट की ओर, ठीक है। आप लोग चाहो तो बॉक्स को भी थोड़ा सा ड्रैग कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नेम बॉक्स को। और उसके बाद इसका साइज क्या बोला था, 12 बोला था, ठीक है। 12 मतलब टेबल का पूरा जो साइज रहेगा वो 12 का ही रहेगा। इसको बोल्ड बोला गया था तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बोल्ड कर लेंगे। फॉन्ट टाइप क्या बोला गया है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैं एक बार दिखा दूँ। फॉन्ट टाइप आप लोगों को यहाँ पर बोला गया है कैलिबरी, तो कैलिबरी कर देंगे। तो चलो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर दिख रहा उसी तरह से दिखना है, ठीक है। ये देखो सेंटर की ओर अलाइनमेंट किया गया है, तो सेंटर की ओर अलाइनमेंट कर देंगे। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके आप लोग अलाइनमेंट कहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये तो रहा सेंटर की ओर अलाइनमेंट, देखो यहाँ पर जो है ना सेंटर की ओर अलाइनमेंट नहीं है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट किया गया है, ठीक है, लेकिन ये मिडिल की ओर अलाइनमेंट किया हुआ है। तो ये इसको आप लोग, मैंने यहाँ पर आप लोग को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, लेकिन आप लोग इंस्ट्रक्शन में एक ऐड कर लो कि ये जो रहेगा ना वो आप लोग को सेंटर की ओर अलाइनमेंट करना है और मिडिल की ओर अलाइनमेंट करना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो अगर आप लोगों को सेंटर की ओर बोले तो यहाँ पर क्लिक करना है, अगर यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट बोले तो लेफ्ट कर लेना, और यहाँ पर राइट बोले तो राइट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सेंटर कर रहा हूँ, और आप लोगों को मिडिल अगर करने बोले तो मिडिल कर सकते हो, टॉप बोले तो टॉप यहाँ से क्लिक करके, और अगर बॉटम में बोले तो बॉटम में कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मिडिल की ओर अलाइनमेंट कर दूंगा, ठीक है। आप लोग याद रखना ये मिडिल और सेंटर आप लोग ऐड कर लेना क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन में, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद जो भी यहाँ पर नेम है वो मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो क्या क्या नेम दिया गया है, रवि दिया गया है, देन सूरज दिया गया है, सूरज, उसके बाद सैजल, रोशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सैजल देन रोशन, तो ये चार नाम दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर कुछ मार्क्स दिया गया है, उसको मैं यहाँ पर लिख लूंगा। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है एक बार देख लेता हूँ मैं, 35, 43, यहाँ पर क्या दिया गया है 43, उसके बाद 37, उसके बाद 45। साइंस के अंदर क्या दिया गया है 39, 41, 49, 43, उसके बाद सोशल साइंस के अंदर क्या दिया गया है 26, 44, 46, 37, उसके बाद 30, 26, 47, 42, ठीक है। ये कुछ डाटा दिया गया है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो राइट की और अलाइनमेंट किया गया है मार्क्स का, मार्क्स जो भी दिया गया है, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या करना है, आप लोग सेंटर की ओर अलाइनमेंट कर लो। मैं यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन को ऐड कर देता हूँ, चलो मैं यहाँ पर आप बोलोगे तो ऐड ही कर लेता हूँ, ठीक है, आप लोग को, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक इंस्ट्रक्शन को ऐड कर देता हूँ, क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, टेबल टेबल शुड बी अलाइंड सेंटर एंड मिडिल, ठीक है। तो ये मैंने इंस्ट्रक्शन में ऐड कर दिया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये सेंटर की ओर अलाइनमेंट कर लेना है, आप लोगों को अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। अगर आप लोग क्वेश्चन में वहाँ पर राइट बोले तो राइट करना है, लेफ्ट बोले तो लेफ्ट करना है, ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी मैं क्या बोला आप लोगों को, सेंटर की ओर अलाइन करना है। तो इसको देखो सिर्फ सेंटर की ओर अलाइनमेंट कर दिया, अगर मिडिल बोला है तो मिडिल करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर मिडिल बोला गया है तो मैंने मिडिल कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखो आप लोगों को क्या करना है, टोटल मार्क्स आप लोगों को निकालना है यूजिंग सम फार्मूला। तो यहाँ पर फार्मूला लगा लेंगे, फार्मूला इक्वल टू का साइन देंगे, दम हम लोग क्या करेंगे सम कर लेंगे, ठीक है। सम में क्लिक करेंगे, देन ये जो भी रेंज है इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, देन इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे आप लोग का टोटल मार्क्स आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, नीचे की ओर ड्रैग कर देना है, तो आप लोग को ऑटोमेटिकली सारा फिल हो जाएगा, आप लोग को अलग अलग से करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप लोग को परसेंटेज कैलकुलेट करना है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, परसेंटेज में आप लोग गलती कर सकते हो। या क्या बोला गया है,
फुल मार्क्स इन इस सब्जेक्ट इज 50। 50 मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा जो मार्क्स है एक सब्जेक्ट का वो 50 रहेगा, अधिकतम मार्क्स जो है वो 50 है, ये ध्यान रखना, ना कि 100। अधिकतर देखो 100 रहता है, लेकिन जो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन बोला जाता है वो आप लोगों को फॉलो करना पड़ता है। तो अगर मैं मान लूँ देखो 50 मार्क्स एक सब्जेक्ट में है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कितना है, 1, 2, 3 और 4, 4 सब्जेक्ट, मतलब टोटल मार्क्स कितना हो गया, 200 मार्क्स। 200 मार्क्स में से ये मार्क्स जो भी स्टूडेंट फैच कर रहा है, मतलब ला रहा है, ठीक है, 146 मार्क्स लाया है 200 में से। तो यहाँ पर हम लोग परसेंटेज चलो निकाल लेंगे, 146 जो है वो किस में लाया है, वो डिवाइडेड बाय 200, क्योंकि टोटल मार्क्स 200 है, इंटू 100 कर लेंगे, क्या करेंगे, इंटू 100 कर लेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, 73%। इसको हम लोग जैसे ही ड्रैग कर देंगे नीचे की ओर, तो आप लोग को इस तरह से देखने को मिलेगा, जो रवि का है वो 73% लाता है, सूरज 91 लाता है, और सजल 75 लाता है, और रोशन 75.5% लाता है। और देखो एग्जाम के अंदर आप लोग को ये भी बोल सकता है, देखो लेकिन इस एग्जाम में उतना कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ये बहुत ही इजी एग्जाम रहता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोला जाएगा। अगर आप लोगों को बोला कि 2 डेसिमल लगाना है तो 2 डेसिमल लगा दो, 3 डेसिमल बोले तो 3 लगा दो, लेकिन एग्जाम के अंदर अधिकतर 2 डेसिमल प्लेस देखने को मिलता है, तो मैंने यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस कर दिया, ध्यान रखना। उसके बाद इसका साइज क्या बोला था, 12 बोला गया था, तो मैं यहाँ पर 12 कर लूँगा। जैसे ही मैंने देखो यहाँ पर टेक्स्ट को बढ़ाया, तो यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। और फॉन्ट का टाइप क्या था, कैलिब्री था, तो कैलिब्री रहने देंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये 12 का साइज बोला गया था हम लोग को, तो इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं, क्योंकि टोटल मार्क्स जो है ना, मार्क्स ऊपर में आएगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, क्या कुछ बोला गया है, फॉन्ट साइज तो मैंने दे दिया, फॉन्ट टाइप भी दे दिया, टाइटल बोल्ड रहेगा, टेबल शुड बी अलाइंड सेंटर एंड मिडिल, ठीक है। उसके बाद एक चीज मेरी ओर से ऐड कर लेना, ऑल बॉर्डर आप लोग को यहाँ पर अप्लाई करना है। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने ऑलरेडी आप लोग को बोला था, चलो यहाँ पर मैं टाइप नहीं करूँ, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, आप लोग यहाँ पर लिख लेना, अप्लाई ऑल बॉर्डर इन ऑन द टेबल। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, देन यहाँ पर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोग को ऑल बॉर्डर का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आप लोग को ऑल बॉर्डर कर लेना है, ठीक है। और इससे पहले मैंने जो भी लेक्चर लिया है वो आप लोग एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। वहाँ पर मैंने आप लोग को टेबल इंसर्ट करने भी सिखाया है, कि किस तरह से आप लोग टेबल को चार्ट इंसर्ट करने सिखाया, ठीक है, किस तरह से आप लोग टेबल को सिलेक्ट करके चार्ट इंसर्ट करोगे, वो इन डिटेल में बताया, तो वो देख लेना। ऐसे तो वो एग्ज़ाम में आने का नहीं आएगा, ठीक है, 100% मैं श्योर हूँ कि आप लोग का इस एग्ज़ाम के अंदर आप लोग को टेबल इंसर्ट करना नहीं आएगा। इसी तरह से आप लोगों को जस्ट टोटल मार्क्स देखने को मिल जाएगा, परसेंटेज कैलकुलेट करने को मिल जाएगा, एवरेज देखने को मिल जाएगा, यही सब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग को एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, अगर आप लोग को और भी वीडियो देखना है तो आप लोग देख सकते हो, अदरवाइज नहीं भी देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे।